टू माई ब्लॉग. सबसे पहले तो मैं अभी वॉशरूम गया था और ये मैंने एंट्रीज का शूट कर चुका ऑलरेडी, बट पता नहीं क्या इशू हुआ है कि एंट्री का जो आवाज़ है मैच नहीं कर रहा. मैं अभी भी चेक करूँगा कि मैच कर रहा है कि नहीं. मैं जा रहा हूँ कहीं बाहर, कहाँ जा रहा हूँ वो मैं बताऊँगा नहीं. और पिछले वीडियोज़ में लाइक थोड़ा व्यूज़ ठीक ठाक आए हैं, मेरे को अच्छे लगे. आई नो कि अभी भी बहुत ही कम है, बट कोई इशू नहीं है, मैं बनाते जाऊँगा. और मैं जा रहा हूँ कहीं बाहर और ऑलमोस्ट एक बार गया हुआ उस ब्लॉग के अंदर, आपने देख चुका है, बट इस बार थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लोर करना है उस जगह को, तो इसी के लिए मैं जा रहा हूँ. अभी मैं मेट्रो स्टेशन में हूँ, बट थोड़ा लाइक कर देना क्योंकि बहुत सारे मैंने कमेंट्स में देखा है बड़े बड़े वीडियोस की कि एक लाइक अपनी माँ के लिए. मैं वो तो नहीं बोलूँगा, बट प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बने रहे ब्लॉग में. इस जगह इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि इसका लाइट बहुत अच्छा आता है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है इधर वीडियो बनाना, तो इसी के लिए मैं बना रहा हूँ. अब मैं सीधा मिलूंगा आपको, ये मेट्रो का थोड़ा स्नैप्स दिखेगा, फिर उसके बाद सीधा मिलूंगा वो लोकेशन पे. और थंबनेल में आपको देख क्या होगा कि मैं किधर हूँ, मैं फिर भी यहाँ पे सरप्राइज बना के रखता हूँ. आधा डेस्टिनेशन आ गया और बहुत ही धूप है और मैं मेट्रो से निकला. पता नहीं कोई बंदे होते हैं फॉर श्योर जो हमेशा ही लेट हो रहे होते हैं, इतना तेज तेज भाग के जा रहे हैं और इधर इतना प्रॉब्लम हो रहा है, सब पीछा के चिपक जा रहे हैं. और ये एरिया बहुत ही मतलब जो स्टेशन भी है सामने, ये है मेट्रो स्टेशन और यहाँ पे है शालदा स्टेशन जो लोकल ट्रेन को लेके, तो वहाँ पे इतना क्राउडेड रहता है. ये एक पोर्शन है खाली जहाँ पे थोड़ा थोड़ा खाली है, वरना मैं उधर चले जाऊँ तो मेरे को उड़ा ही दे भाई वहाँ पे मेरा कैमरा. एक बार मेरा उधर पर्स भी चोरी हो चुका है. अभी मैं ये वाला माइक एज अ माइक यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बाहर का आवाज़ बहुत ही है तो कुछ सुनाई नहीं देगा, तो मैं पूरा लोकेशन पे जाके ये वीडियो कंटिन्यू करता हूँ. गाइस फाइनली आई एम हियर. मैं आज प्रैक्टिस देखने आया हूँ, मैं सिर्फ उसी के लिए आया हूँ इतना दूर से. पता नहीं अंदर घुसने देंगे नहीं घुसने देंगे, बट प्लेयर लगता है यहाँ से ही जाते हैं. मैंने जैसे आगे बार ब्लॉग में बोला भी था कि मैंने देखा भी था, और ये पूरा प्रिपरेशन हो रहा है आईपीएल का. मैं आपको दिखाऊंगा, टिकट भी आज लेने जाऊंगा. ऑनलाइन में तो टिकट मिल नहीं रहा, बट वो जो नींबू पानी वाला दिख रहा है, मैं पूरा उसका चेहरा नहीं दिखाना चाहूँगा, बट वो जो नींबू पानी वाला दिख रहा है वो टिकट ब्लैक करता है, क्योंकि भाई बोलना नहीं चाहूँगा, बट प्रीवियसली एक बार हम लोग ने भी लिया था उससे टिकट, बहुत पहले की बात है, अभी की नहीं है. और इधर है हमारे कैप्टन साहब श्रेयस अय्यर जो कि इंजर्ड होके बैठे हैं, तो अभी हम लोग को लग रहा है कि राणा कैप्टन बनाएंगे नीतीश राणा को. रसल है, सब कोई है, तो देखो आते हैं कि नहीं. मैं वेट करता हूँ, एक घंटे का टाइम है, इधर से ही जाएंगे. लग तो रहा है आएंगे, प्रैक्टिस तो करना ही है उनको. गाइस देख के तो लग रहा है टीम आने वाली है, जिस तरह का प्रिपरेशन है. मैं वेट कर रहा हूँ उसी के लिए, पूरा उधर खड़ा भी नहीं होने दे रहा, पूरा साफ सफाई कर रहा है उधर, किसी को खड़ा भी नहीं होने दे रहा. साइड में जाके खड़े हैं, जैसे टीम आए तो कुछ तो दिखे, अंदर घुसने दे या ना दे, बट कुछ तो दिखे, तो ट्राई करता हूँ. फाइनली गाइस कुछ तो देखने को मिला, आ गई पूरी टीम फाइनली, जिसका था हमें इंतज़ार वो आ गए. ये देखिए पूरी बस से आ रहे हैं, देखिए कौन कौन आते हैं. धीरे 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 धड़कन तेज हो रही है, जिसके लिए इंतज़ार था वो आ गए. बस उधर ही रुक गया है. शार्दुल बॉलिंग कोच है नारायण जगदीशन अय्यर. राणा जी डेविड विजय वेलकम टू कोलकाता. भरत अरुण साउदी फर्गुसन कैन फॉस्टर सुयश आया चला गया. नहीं नहीं अभी आएगा, एंडिंग में आता है रसल. अभी रुकिए उमेश 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 उमेश
थ्री चेयर्स फॉर अस सर सर गाइस कुछ आशा मिली अंदर घुसने की, बोला गेट नंबर 14 जाने के लिए। मैं एक बार पूछ लेता हूँ गेट नंबर 14 किधर है। एक्सक्यूज मी, गेट नंबर 14 किधर है? गेट नंबर 14 नंबर ठीक है। तो उन्होंने कहा गेट नंबर 14 चाहिए, तो वहाँ पे एंट्री करा देंगे। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ घुसने का अंदर। KKR की थोड़ा ज़्यादा ब्लर हो जाएगा, मैं थोड़ा सा ब्राइट जूम कम कर देता हूँ। ये KKR की टीम शूट कर रही है अपने लिए, अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल के लिए। भैया बीच में आ गए, ये देखिए दस की दहाड़ अमी KKR भैया परचम उड़ाते हुए। ये भैया 25 किलोमीटर साइकिल चला के आए हैं, ये लेके आए हैं देखिए, फिर भी इनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। क्या ही बोल सकते हैं, KKR की मैनेजमेंट से कोई देख रहा है तो प्लीज़ घुसने दे दो हम लोग को। में बैठ गए हैं, KKR है तैयार, बोले जा रहे हैं हम लोग, देखिए घुसने दे दो। जीत बोले। तो अभी मैंने KKR की टीम को देखा, मैं अंदर प्रैक्टिस देखने के लिए घुसने का ट्राई किया, बट ऐसा अलाउड नहीं है। मेरा तब भी ठीक है, चलो मैं आया हूँ, मैंने तो कुछ और कवर करने आया हूँ, मैं टिकट को लेने के लिए आया हूँ। ऑफलाइन में क्योंकि ऑनलाइन में मिल नहीं रही है टिकट। बट इस भैया का क्या हाल है, क्योंकि एक बंदे को मैंने देखा वो 25 किलोमीटर साइकिल चला के आया है। मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाऊंगा बेचारा। हम लोग ने ट्राई किया कि घुस जाओ, बट वो नहीं घुसने दे रहे। बट हाँ ऑब्वियसली, बिकॉज अभी इधर मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब में मैं जा रहा हूँ, ऑब्वियसली ऐसे अलाउड नहीं है, तो कोई पॉइंट नहीं है घुसने का। तो इससे रहन तो इधर कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। मैं टिकट के लिए आया हूँ, तो मैं टिकट का मेन चीज़ करता हूँ। मैं आया तो मेरे को दिख गया, बस मेरे को बता रहा था कि इधर पहले तो ईडन आया कि टिकट कहाँ मिलेगा, तो ईडन में बोला कि इधर मोहम्मदन में मिलेगा टिकट। बट मोहम्मदन में अभी मैं जा रहा था, तभी हमको पता लग गया कि भाई नहीं मानने वाले, चल अभी वेट करते हैं। तो मैं वेट गया, तो उसी टाइम मतलब 5-10 मिनट के अंदर अंदर ही स्कीम आ गई। तो सही रहा, अभी मैं जा रहा हूँ मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब में टिकट के लिए। अब ब्लॉग पर बने रहे। आ चुका हूँ मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब पे। बेचारे बंदे के लिए बहुत ख़राब लग रहा है, मैं पहले उस साइड गया, फिर मैं वापस आया उस बंदे को देखने नहीं, मेरे को टिकट के लिए मैं वापस आया कि इस साइड बोला लोग इधर मिलेगा। तो इस साइड तो अभी मैं आया हूँ टिकट को देखने के लिए, ये तो बोला यहाँ पे मिलता है, और मैं एक बार लिया भी था, मेरे को बहुत दिन पहले याद नहीं है। हाँ, वो बंदे के लिए इसके लिए ख़राब लग रहा है कि बेचारा अभी तक वो झंडा लेके खड़ा है, प्लीज़ घुसने दे दो, प्लीज़ घुसने दे दो। कब तक वेट करेगा आई डोंट नो। बेचारा मिस कर गया, टीम बस भी नहीं देख पाया। कितने फैंस है क्रिकेट के, आई एम गेटिंग टू नो, लाइक इतने सारे फैंस। बेचारा 25 किलोमीटर से साइकिल चला के आया है अपने नाइट्स को देखने के लिए, तो बैड लक फॉर हिम। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, मैच देखने आ जाएगा। और KKR अच्छा परफॉर्म करना इस बार, उसके लिए एक बार अच्छा परफॉर्म करना। चलिए मिलते हैं, अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, पूछता हूँ किधर मिलता है टिकट, तो मैं वहाँ से ही कंटिन्यू करता हूँ। पता किया अभी, टिकट अभी नहीं मिल रहा है, 1-2 तारीख को मिलेगा। तो क्यों ही खोल रहा है फिर ये, काउंटर खोलने का ज़रूरत ही नहीं है। ऑफलाइन 1-2 तारीख को खोलेगा, 6 तारीख को पहला मैच है, 31st से IPL शुरू है, तो मत ही खोलो इससे अच्छा। ऑनलाइन ही सब बुक हो गया, मैंने RCB वाला ट्राई किया बुक करने का, बट हाउसफुल है, कोई कुछ नहीं होगा। बट क्या कर सकते हैं, अगर बिना टिकट के भी अगर आपको आना है तो बिना टिकट के भी आ जाओ। अगर आप इतने बड़े प्रेमी हो, मैं इतना बड़ा प्रेमी नहीं हूँ कि मैं आ जाओ बिना टिकट के। यहाँ पे क्या होता है, बहुत लोग ब्लैक कर रहे होते हैं, हर मैच में होता है कि ब्लैक में खरीद रहे कर रहे होते हैं, और बहुत अच्छा अच्छा दाम लेते हैं, ऑलमोस्ट 50% 40% ज़्यादा लेके, जितना भी टोटल प्राइस है उसका 40% ज़्यादा लेके आपको टिकट दे देते हैं। तो वो आप ले सकते हो अगर आपको अभी हाउसफुल हो गया, आपको कोई मैच देखना है, यही कर सकते हो। मैं इतना बड़ा प्रेमी नहीं हूँ, तो मैं इतना बड़ा कुछ ऐसा कुछ करूँगा नहीं। तो अभी मैं जा रहा हूँ न्यू मार्केट कुछ खाने के लिए, बहुत तेज़ भूख लगी है, ये KKR के चक्कर में खाना ही नहीं हुआ, तो पहले खा लेता हूँ फिर उसके बाद कुछ करता हूँ। इतना पागल हो गया लोग, ये देखिए सबको जाना ही अंदर। एक्स्ट्रा टाइम से उनको मैं बोला कि ट्राई करने के लिए, बोल रहे थे। तो खाना तो
कैप्टन अनाउंस कर दिया गया, ये अंदर का खबर मिला, बट पता नहीं मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरे को अभी जाना है तो मतलब जो हम लाइन में आके खड़ा हो जा रहा हूँ अभी, एक तो न्यूज़ टाइम एक्स्ट्रा टाइम वालों ने हमको कवर भी किया, तो पता नहीं आऊँगा कि नहीं आऊँगा, बट ट्वेंटी मिनट में निकलूँ यहाँ से, बहुत बस बस का इंतजार कर रहा हूँ, इधर ही डायरेक्ट मिलेगा मुझे, तो मैं देख रहा हूँ अभी जा रहा हूँ सॉल्ट लेक, तो पता है एस्प्लैनेड जाके कुछ न्यू मार्केट में आके खाओ, लेकिन अभी समय भी हो गया, घर से बहुत ही दूर है मेरे ये, तो सॉल्ट लेक सामने है, तो सॉल्ट लेक में मैं आके कुछ ना कुछ ठूसता हूँ, वो भी दिखाऊँ कि मैं क्या ठूस रहा हूँ। हाय गाइस, तो आ चुका हूँ मैं सॉल्ट लेक, उस दिन मैं आया था तो हुआ नहीं था, बट इस बार बहुत ही अच्छे से होगा क्योंकि इस बार सब कुछ खुला है, और मैं अपने फेवरेट दुकान की ओर बढ़ता हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना सस्ते में इधर कुछ सब कुछ अच्छे को मिलता है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। दाम बता पाएंगे, दाम कितना है? ठीक है, अभी काम कीजिए, ये क्या है, मिक्स बटर पनीर एक तो दे दीजिए, और वो नान रोटी है क्या, वो नान है क्या, नान कितना करके, और एक तो चार वाला भी आता है ना, तंदूरी दे दीजिए, दो तो तंदूरी और एक तो वो। गाइस आ गया मेरा खाना, ये पता है ये दो रोटी और एक पनीर का सब्जी मिला के 30 रुपया, और पनीर देखिए कितना क्वांटिटी में है, पनीर भर भर के पनीर दिया गया है, ऐसे नहीं कि कंजूसी किया गया हो, ये हाफ क्वांटिटी है, ये फुल भी नहीं है, कितना पीस है मैं बता रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक एवरेज साइज़ देखिए पीस का, कितना अच्छे से पीस है एक तो एकदम कंजूसी नहीं किया गया है, मेरे को बहुत ही सही लगता है, तो मैं खा के कंटिन्यू करता हूँ। गाइस खाना पीना सब हो गया है, अब मैं सीधा घर जा रहा हूँ और कहीं नहीं रुकूँगा, तो लाइक जो मैंने लास्ट जो खाया, जो मैंने आपको दिखाया वीडियो में, कि दो तो मैंने तंदूरी रोटी और एक पनीर लिया था, तो पनीर लाइक 25 रुपया था हाफ प्लेट, इतना क्वान्टिटी में था, मैंने दो लिया था, मेरे को और एक मन किया तो मैंने एक और ले लिया, तो टोटल हुआ 3 तंदूरी रोटी और एक पनीर, पनीर मेरे को टोटल दाम पड़ा 37 रुपीज़, आप इमेजिन कर सकते हो लाइक 37 रुपीज़ में मेरे को एक तरीके से पूरा मील हो गया, 3 तंदूरी रोटी, ऐसे भी नहीं कि हाथ वो नॉर्मल वाला रोटी, वो तंदूरी रोटी दिया और ऊपर से पनीर का इतना क्वांटिटी, और ऐसे बोला था कि डोंट गो बाय द अपीरियंस, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था खाने में। एक सेकेंड, मैं पहले भी उधर खाया करता था, तो ये ब्लॉग मैं अभी एंड करता हूँ, मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ गाइस, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेलकम।